ब्रह्मा कुमारी आश्रम तरफ एटी जो आज आलोचना है विशेषकर टॉपिकटा था सॉल्यूशंस जोड़ा रही सॉल्यूशन बेस्ड जर्नालीज्म टुवर्ड्स प्रॉस्परस भारत खूब सुंदर गोटे भल परेश आलोचना टी धन्यवाद दबा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी दीदी एवं एठिकार जो मैंने आयोजक मैंने ये गोटे भल विषय वस्तु आलोचनार गोटे अपेक्षा रही है और सुंदर भाव आलोचना है मुझे अर्गस राज्य मुख्य रही संजय जेना जोगद नंदीघोष टीवी जी रही आपणकर शिशिर भट्ट मिश्र जोगद तो समस्त गोटे समस्त सहमत होते जे समाज रे अनेक प्रकार समस्या रही से समस्या गुड़ाकर समाधान भी रही मीडिया अनेक समय रे अनेक चापरे थिले अनेक तार कंस्टेंट थिले से सब बेले चाहिए तार गोटे लक्ष्य रही लक्ष्यटी हूँ जनकल्याण बा लोक कल्याण से तार निजर परिधि भितर सरकार एवं साधारण जनता भितर कि गोटा सेतु हो पार साधारण जनतार समस्या को सरकार निकट में पहुँचे पार मीडिया से व्रत को सब पालन कर अक्षर अक्षर पालन कर छड़ा समाज विभिन्न माने क्षेत्र में जो भाई भाव में जो असमानता रही आर्थिक असमानता कहतु आर्थिक असुविधा कथा कहतु बा विभिन्न अंचल जो समस्या रही सब मीडिया चाहिए अहर तार चेष्टा कर समस्या गुड़ाक किभली सठिक ढंग से उपस्थापन करप्रोप्रिएट अथॉरिटी पाखे आप्रोप्रिएट प्लाटफर्म उत्थापन कर तार समाधान सूत्र बाहर कर एवं से अनेक जो मैंने अतिथि माने थिले अनेक गुड़ाक उदाहरण देते जोटी मीडिया हाज सक्सेसफुली इंटरवीन एवं किसी सॉल्यूशंस भी काढ़ी पारिचे अंधकार तो अच्छी किंतु से अंधकार भितर आम जब आलोक सन्धान कर निश्चित भाव से आलोक सन्धान आम आलोक वर्तिका आम देखिपर एवं से आलोक को अनुसरण कर आम गोटे स्वर्णिम दुनिया को यात्रा करवा यहाँ समस्त प्रायत सहमति समस्त एवं एभली माने जो आलोचना था जो माने उपस्थित बुद्धिजीवी माने थिले समस्ते माने आम देखु अटेंटिवनेस समस्ते पूरा सजागरे एवं माने गोटे सुमन नहीं समस्ते सुनते गोटे सकारात्मक आलोचना आज बहुत ही खुशी का दिन है बिकॉज टू ब्रिंग अ लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी थ्रू मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू जर्नलिज्म एक छोटा सा सेमिनार को ऑर्गेनाइज ब्रह्म कुमारी पट्टिया में किया गया है तो सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म फॉर प्रॉस्परस भारत इस टॉपिक पर बहुत सुंदर सेमिनार चला जिसमें सभी ने अपने जो व्यूज है वो एक्सप्रेस की और एसेंस यही निकला कि टू बी एबल टू ब्रिंग सॉल्यूशन पहले हम माइंड में जो क्योस है जो मेंटल स्टेट है उसके लिए सॉल्यूशन निकाले बिकॉज वी बिलीव इन अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरा मन जब स्टेबल है मेरा मन जब परमात्मा के साथ कनेक्टेड है पॉजिटिव है पीसफुल है ब्लिसफुल है तभी हम इस सोसाइटी में अपने घर में पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं तो इसके लिए ऐसे नहीं कि केवल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉस्परस भारत को बनाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की है मेरी है तो सबकी भी है तो इसी एसेंस के ऊपर ये सेमिनार चला फिर अंत में परमात्मा का अनुभव भी सबको दिया गया कि कैसे परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से मन हमारा शांत होता है मोर प्रोडक्टिव होता है मोर पीसफुल होता है जिसके द्वारा हम खुद को भी बहुत खुश रख सकते हैं अपने साथ वालों को खुश रख सकते हैं दूसरों को भी वो खुशी का अनुभव दे सकते हैं जिसके द्वारा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हम सोसाइटी में भारत में ला सकते हैं थैंक यू ऑल ओम शांति नमस्कार